गाइस वेलकम टू नोबेल टेक एजुकेशन। मेरा नाम मोहित शर्मा है। आज हम सीखेंगे वर्डपैड। ये वर्डपैड पे हम कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वर्डपैड ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए हम पहले से थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे सर्च में। लास्ट में देखो ये सर्च ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सर्च में जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ वर्डपैड, तो वर्डपैड आपको यहाँ पे इंडिकेट भी हो गया। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर डेस्कटॉप पे आपको आइकन अपने बना रखा है वर्डपैड का तो आप डबल क्लिक करिए उसे ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं बना रखा है तो सिंपली जैसे मैंने आपको सर्च करके बताया आप वैसे सर्च करके इसे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम पहले ओपन कर लेते हैं, हमने अभी इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको। अब आते हैं देखो आज के पार्ट्स कौन कौन से हमारे होते हैं। तो पहले हम हमारे पार्ट्स को भी देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है मिनिमाइज बटन। ये आपको देखो यहाँ पे इंडिकेट भी हो रहा है मिनिमाइज बटन। ये क्या करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारी फाइल को श्रिंक करके हमारे टास्क बार में इंडिकेट करता है। जैसे मैं इस पर कर्सर लेके गया तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी फाइल है वो यहाँ पर है। हमने ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा आता है रिस्टोर बटन। रिस्टोर डाउन क्या होता है, हमारी विंडो का साइज कम कर देता है। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखो हमारी विंडो का साइज हमारा कितना छोटा हो गया। अब मैं चाहता हूँ भी इसका साइज को पहले जैसा मैक्सिमम करना है तो मैं इस पर ही क्लिक करूँगा। ये हमारा मैक्सिमम भी हमें शो करता है या मैक्सिमाइज कह सकते हैं। हमने इसे क्लिक किया, मैक्सिमाइज हो गई हमारा। अब ये आता है क्लोज करना। अब इसे क्लोज करना सॉफ्टवेयर के बाद सिंपली आप क्लोज पे क्लिक करके आप इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं कि क्विक एक्सेस टूलबार, ये क्या होता है। मोस्टली पर्सन्स को ये नहीं पता कि क्विक एक्सेस टूल बार वर्डपैड में क्यों यूज होता है। क्विक एक्सेस टूल बार में के अंदर हम अपनी कमांड्स को ऐड करते हैं जिस कमांड की हमें मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम अपना काम को कम से कम टाइम में काम कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ स्टार्ट, ये देखो एरो आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि हम कौन सी कमांड को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने न्यू कमांड यहाँ पे ऐड कर ली, मैंने कुछ भी काम किया यहाँ पे, मैं नई फाइल लेने के लिए मुझे फाइल में जाके न्यू लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे न्यू कर सकता हूँ, इस पर क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है जो आपने आज काम किया है, डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस डॉक्यूमेंट। अगर आपको आपका डॉक्यूमेंट सेव करना है सेव कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट सेव। मैं कुछ रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने डोंट सेव करके अपनी फाइल को, हमारे सामने देखो नया फाइल आ चुकी है एकदम। नेक्स्ट आता है देखो इसके अंदर वर्डपैड। फर्स्ट हम अब इसे कहते हैं हम वर्डपैड बटन भी। जैसे अगर इसके अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमें न्यू, ओपन, सेव, सेवेस, प्रिंट, पेज सेटअप और बहुत सारी कमांड्स हमें शो होती है। या तो आप इसे क्लिक करके ओपन कर लो, अदरवाइज इस शॉर्टकट की ऑल्ट एफ भी होती है। ठीक है, फिर हमारे होते हैं टैब्स। कौन कौन से होते हैं हमारे टैब, देखो हमारे होम और व्यू, ये दो हमारे टैब हैं। होम अलग टैब है और व्यू हमारा अलग टैब है। होम के देखो अलग रिबन बार शो होते हैं। अब रिबन बार क्या होता है, रिबन बार देखो नीचे का पूरा एरिया जो आपको इंडिकेट हो रहा है ये हमारा रिबन बार होता है, और व्यूज का आपको अलग रिबन बार शो हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और भी ऑप्शंस हैं। जैसे हमारा माउस पॉइंटर क्या होता है, माउस पॉइंटर हमारा देखो एरो की आ रही जो हमें इंडिकेट कर रहा है वो हमारा माउस पॉइंटर होता है। फिर रूलर क्या होता है, रूलर होता है हमारा ये हमें जो रूलर इंडिकेट कर रहा है जिसे हम स्केल भी कह सकते हैं, ये हमारा रूलर होता है। ठीक है, फिर इंसर्शन पॉइंट क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसर्शन पॉइंट हमारे सॉफ्टवेयर में इंसर्शन पॉइंट नहीं होगा तो आप किसी भी फाइल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं या टाइप ना आप इसमें टाइप कर सकते कुछ भी। और हमारा इंसर्शन पॉइंट हमें देखो शो भी हो रहा है, ये हमारा इंसर्शन पॉइंट जो हमें एरो शो कर रहा है। इसके जरिए मैं कुछ भी टाइप भी कर सकता हूँ, इसमें कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकता हूँ और भी बहुत चीज़ें कर सकता हूँ क्योंकि इंसर्शन पॉइंट हमारा है। फिर आगे चलते हैं। आगे होते हैं कि इसके पार्ट्स और कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार वो होता है जहाँ पे आपको इसकी स्टेटस पता लगना है डॉक्यूमेंट के। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है देखो 100%, ये मतलब हमारा डॉक्यूमेंट का जूम इन साइज हमें इंडिकेट हो रहा है और हमें पूरा स्टेटस पता लग रहा है, ये हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, फिर आगे और भी आते हैं कि बेस के हमारे स्क्रॉल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार होता है देखो अभी स्क्रॉल बार हमें यहाँ पे साइड में इंडिकेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम एंटर कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे हमारा स्क्रॉल बार हमें इंडिकेट हो जाए साइड में। ये हमारा स्क्रॉल बार होता है जिसके जरिए आप पेज को अप डाउन मूव कर सकते हैं। ठीक है,
स्क्रॉल एरो क्या होता है, स्क्रॉल एरो से भी आप पेज को अप डाउन मूव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको अप डाउन कर लिया, अप कर लिया, अब मैं चाहता हूँ, मैं अपनी चाहता हूँ, मैं डाउन चाहता हूँ, मैं डाउन कर लिया मैंने, तो ये हमारा स्क्रॉल एरो होता है कोई। और एक स्क्रॉल बॉक्स भी आता है, क्या स्क्रॉल बॉक्स होता क्या है, स्क्रॉल बॉक्स होता है हमारे ये चीज जिसके अंदर हमारा स्क्रॉल एरो है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से हमारे और टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सेव और सेवेस में क्या डिफरेंस है। देखिए जब भी हम फाइल को सेव करेंगे तो वो फर्स्ट टाइम सेव एस ही होती है, ठीक है। चाहे आप सेव कर लो, चाहे आप सेव एस कर लो, हम फाइल में गए हमने सेव कर लेते हैं, तो देखो फर्स्ट टाइम हमारी फाइल सेव एज हो रही है, ठीक है। या अगर मैं सेव एज पे भी क्लिक करता हूँ तो भी हमारी फाइल सेव एज ही होगी, तो इसलिए हमारी जो भी फाइल फर्स्ट टाइम करते हैं वो हमारी सेव एज होती है। अब हम इसमें कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने सपोज इसमें एग्जांपल मैंने अपना नाम दे दिया, मेरे नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। फिर इसमें एक और चीज़ भी आती है कि एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। एक्सटेंशन मतलब होता है सेविंग फॉर्मेट, सेविंग फॉर्मेट इन द सेंस कहा जाए कि किस फॉर्मेट में फाइल सेव होगी, वो हमें इंडिकेट हो रही है सेव एज अ टाइप, हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जिसे हम डॉट आरटीएफ में काउंट करते हैं, जो हमारी सेविंग फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, अभी हमने जैसे एक्सटेंशन तो समझ ली, भाई एक्सटेंशन हमारी ये होती है, तो हमने से अब मान लो आपके पास 100 फाइल्स है सामने, अब 100 फाइलों में से आप कैसे पता लगेगा कि ये वर्डपैड की फाइल है, या तो आप उसका नाम अलग हो तो आपको इंडिकेशन मिल सकता है, अदरवाइज आपको उसकी एक्सटेंशन पता हो तो पता लगा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें एक्सटेंशन हमारी इंडिकेट भी हो रही है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो हमारी एक्सटेंशन होती है सेविंग की। हर सॉफ्टवेयर की अलग अलग एक्सटेंशन होती है, ये नहीं है कि भाई .rtf हर सॉफ्टवेयर में स्टार्ट होगी, अभी सभी सॉफ्टवेयर की हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन होती है, ये है कि एक्सटेंशन हमारी .rtf से ही स्टार्ट होती है। अब मैं फिलहाल इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मैं गया हमने डेस्कटॉप पे, मैंने अपने नाम से इसको सेव कर लिया। फिर मैंने इसमें कुछ भी काम किया, जैसे मैं आ जाया, मैंने इसमें कोई भी काम कर लिया अपना, और मैं इसे कंट्रोल एस कर सकता हूँ शॉर्टकट की, या फिर फाइल में जाके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी मेरा डेटा था वो सारा का सारा उसी फाइल में सेव हो जाएगा। और अगर मैं सेव एस का यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, सेव एस से हम अपनी फाइल के लिए अलग से फॉर्मेट क्रिएट होता है। जैसे सेव एस पे गए हम, देखो मेरे को दोबारा से फॉर्मेट मिल गया सेव करने के लिए, पर देखो इन दोनों का नाम सेम आ रहा है। अगर किसी भी फाइल का नाम सेम होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेव हो ही नहीं सकती, सेव ही नहीं हो सकती फाइल। अगर सेव हो भी जाती है तो फाइल पहली वाली फाइल रिप्लेस हो जाएगी, इसलिए हमेशा हमारी दोनों फाइलों का नाम अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैंने इसका नाम मोहित सर के नाम से कर लिया सपोज, तो और मैंने इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया। अब मैं इसे मिनिमाइज करके अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं हमारी फाइल को, देखो हमें इंडिकेट भी हो रही है दोनों फाइलें हमारी। मतलब सेव एज से क्या होता है, आपको अलग से फाइल फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि भी हम सॉफ्टवेयर को क्लोज कैसे कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारी फाइल अभी मिनिमाइज है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब क्लोज करना है या तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर लो इसको, क्लोज ऑप्शन आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, या फिर आप फाइल में चलते हैं हम अपनी और एग्जिट ऑप्शन हमारे पास इंडिकेट हो रहा है, या आप यहाँ से इसको एग्जिट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं आप चाहें तो कमांड का भी यूज कर सकते हैं, कमांड है ऑल्ट एफ फोर, ऑल्ट प्लस एफ फोर, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ कि आपको ऑल्ट प्लस एफ फोर, जिसके जरिए आप किसी भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ से भी इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक यही था, आपको अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी नोबल टेक एजुकेशन एंड